विपक्ष में सनातन धर्म को नीचा दिखाने की जो होड़ लगी थी, अब उसमें बाबा योगी की एंट्री हो गई है। बाबा योगी ने सनातन विरोधियों को तगड़ा सबक सिखाया है। अपने बयान से सीएम योगी ने विपक्षियों को सनातन का सही मतलब बताया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म, बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। बाबा योगी का यह बयान सुनकर कट्टरपंथियों, वामपंथियों और सनातन विरोधियों को मिर्ची लगना तय है। सीएम योगी ने आगे कहा, सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। श्रीमद भागवत गीता का सार समझने के लिए विचार में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। संकुचित सोच वाले विराटता का दर्शन नहीं कर सकते। इस कथा ज्ञान यज्ञ में सातों दिन पूरी तन्मयता के साथ आप सभी ने कथा का श्रवण किया। ये निश्चित ही जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन का कारण बनेगा। श्रीमद भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रीमद भागवत महापुराण ने मुक्ति की जो बात की है वो केवल सनातन धर्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये गारंटी भी भगवान वेद व्यास ही दे सकते हैं। जो यहाँ है वही सर्वत्र है और जो यहाँ नहीं है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हिंदुत्व और सनातन को लेकर बाबा योगी ने विपक्षियों को जो जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।